हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो यार आज की एक कहानी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत बेहतरीन से एक टॉपिक हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि जिसके अंदर जो कंसेप्ट है वो हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं। आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इन कंसेप्ट का। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और पीछे के जितने भी कंसेप्ट ऑलरेडी आप कर चुके हो उनको प्रैक्टिस में रखना है उनको, जैसे ये चैप्टर अभी स्टार्ट हो जाएगा। सो पीछे वाले चैप्टर्स की एक टाइम टेबल आपने ऐसे सेट करना है कि जो पीछे ऑलरेडी हो चुका है, जिसके आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, उनकी पर्टिकुलर टाइम पे आपने उनको रिविजन में डालना है और उसका रिविजन करते रहना है, जिससे आगे के चक्कर में पीछे की चीजें आपसे ना छूट जाए। ठीक है, सो आज ये बैकबोन ऑफ फिजिक्स वाला ये चैप्टर है, जिसको माना जाता है बैकबोन ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू मी। मतलब यहाँ से जो फंडामेंटल कंसेप्ट आप सीख के जाने वाले हो दोस्तों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आने वाली हमारी कंप्लीट फिजिक्स के अंदर। ठीक है, सो देख ही लिया होगा यार आप सबने, और यहाँ पे बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन की, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिनको कहा जाता है। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जिससे आप रिलेट कर पाए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले ये माना जाता था मतलब कि किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए, है ना, यूनिफॉर्मली अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और वो मोशन में ही बनी रहे, सो वी नीड अ टाइप ऑफ फोर्स। समझना बात को, है ना, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है और वो चलती रहे, यूनिफॉर्मली चलती रहे किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू नो गैलीलियो की एंट्री हो गई और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए। मेरी कहानी सुनते रहना, कहानी आप पढ़ सकते हो, जाके सुना रहा हूं इन शॉर्ट, जिससे आपको कनेक्टिविटी बेहतरीन बन जाए। ठीक है, तो क्या हुआ सर, गैलीलियो साहब आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बोला नहीं ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कंप्लीटली, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा। उन्होंने बोला जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना एक्चुअली, वो मोशन की जो कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, उसकी जो मोशन है उसको चेंज करने के लिए यूज होता है फोर्स। ठीक है, किसी भी बॉडी की मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स यूज होता है। उन्होंने इसको करेक्ट किया और उन्होंने प्रैक्टिकली इसको करके दिखाया। कैसे, मतलब सर कैसे, फिर न्यूटन की एंट्री हो गई, गैलीलियो और न्यूटन, न्यूटन साहब ने गैलीलियो के कॉन्सेप्ट को पकड़ा और मैथमेटिकली प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर से सुनो, सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया था कि जो फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी को कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली मोशन में रखने के लिए, बट इसको गलत बताया गया और प्रूफ किया गया कि फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी की मोशन में चेंज लाने के लिए। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, तो रेस्ट पे ही रहेगी, उसके पास अपनी खुद की एबिलिटी नहीं है, खुद की ताकत नहीं है कि वो अपने आप अपनी पोजिशन चेंज कर ले। तो यहां से कंसेप्ट देखो ना, आप खुद भी सोचो ना कि आप कहीं खड़े हो, आप अपने रूम में हो या सड़क पे खड़े हो, कहीं भी अपने चारों ओर देखो, अगर कोई चीज ऐसे रखी है तो वो रखी है, वो चल नहीं सकती, जैसे आप खोलोगे वह देखोगे वो चल नहीं सकती। तो उसने उन्होंने बोला कि इन चीजों के पास खुद की एबिलिटी नहीं होती है अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए, रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बनी रहना चाहती है। ठीक है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही बना रहना चाहेगी। और उसने बोला कि अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो यार वो मूव ही करता रहेगा ना जब तक उसको रोका ना जाए। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया और इसको प्रूव करा। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड होने स्टार्ट हो गए, स्टेटमेंट्स को करेक्ट किया गया। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं गैलीलियो साहब ने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, फिर न्यूटन साहब ने उनका कैसे इस्तेमाल किया मैथमेटिक्स का यूज करके, और जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक दो एग्जांपल मैं आपको जल्दी से दे देता हूं, जिनके बिहा पे आप समझ जाएंगे कि चल क्या रहा है और किस तरीके से आप इनका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। लेट्स सी। तो यार देखो, सबसे पहले सिचुएशन अगर मैं ये मान लूं, देखो भाई क्या उन्होंने बोला, गैलीलियो साहब ने क्या यू नो ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जिससे आप कनेक्टिविटी बना लो इसके रिगार्डिंग, उसके बाद न्यूटन्स लॉ पे हम डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे उन्होंने किस तरीके से उसको यूज किया था। पहले थोड़ा सा आपका माइंड उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि कंसेप्ट क्रिएट कैसे हुए। ठीक है, ओके, सो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो उन्होंने देखा कि सपोज करो कोई बॉडी है और एक बिल्कुल यू नो स्ट्रेट पाथ है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ उन्होंने लिया और उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको एक स्पीड दे दी u। उन्होंने देखा इस ऑब्जेक्ट को जब यहां से स्पीड u दी गई, तो आफ्टर सम टाइम ये जब ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहां पे, आफ्टर सम टाइम ये जब b पॉइंट पे पहुंचा, तो भी उसके पास स्पीड u ही थी।
ठीक है, उन्होंने बोला अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यू के साथ, तो आफ्टर सम टाइम चल चल के जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा तो यू ही वेलोसिटी मिली। इसका मतलब ये माना गया, ठीक है, कि ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो ये अपनी आप चेंज नहीं हो सकती, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी आप चेंज करना चाहते हो। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया, उन्होंने देखा यार ये तो चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब ये तो ऐसे ही चलता रहेगा यार, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। यस, फिर उन्होंने दूसरा एक सेटअप बनाया। कैसे बनाया सर? सपोज करो मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, अब की बार ये जो प्लेन है मैंने इंक्लाइंड कर दिया इसको, और इस बॉल को मैंने यहाँ से छोड़ा किसी वेलोसिटी के साथ यू। फिर आपने देखा जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी तो नीचे आने पर यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ अलग है और यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ अलग है, ठीक है, यहाँ पे U है तो यहाँ पे कुछ V1 होगी, यहाँ पे कुछ V2 होगी। मतलब उसने बोला जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज कर रही थी, उसने ये देखा यार सर ये तो इंक्रीज कर रही है। उसने बोला कि यहाँ पे चेंज ही नहीं हो रही थी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे नीचे आने पे चेंज हो रही है जैसे आपने इसको स्लोप दी, जैसे ही स्लोप दी, है ना, अभी समझ दे जाना आप क्या पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, अभी समझ दे जाना आप, ठीक है, ओके ओके ओके। फिर उसने पॉइंट नंबर थ्री में क्या इलस्ट्रेशन किया, उसने बोला कि भाई अब अगर ऐसा कर दिया जाए, इंक्लाइंड प्लेन सेम ले लें, किसी बॉडी को नीचे से किसी वेलोसिटी पे ऊपर को आपने मूव कराना है, तो ये बॉडी किसी वेलोसिटी यू के साथ ऊपर को जा रही है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर को जा रही है तो यहाँ पे स्पीड अलग है और ऊपर जाने पे स्पीड अलग है, धीरे धीरे उसकी जो वेलोसिटी है, जैसे ये V1 है ये V2 है, वो कम हो रही थी, यानी डिक्रीजेज, है ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती जा रही है। अगर वो ऊपर से नीचे आ रही तो इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही तो डिक्रीज हो रही है, और अगर केवल प्लेन सरफेस है, सरफेस इंक्लाइंड नहीं है, जैसे बिल्कुल सीधा रास्ता है ना, उस पर उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है। तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों सिचुएशन ध्यान से समझो। यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया था दोस्तों, और गैलीलियो साहब ने इस कंसेप्ट को नाम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये नाम उसने दिया लॉ ऑफ इनर्शिया, आप समझना ध्यान से, ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं है कि मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट केवल इसलिए होती है कि कोई बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्मली और वो मोशन में ही बनी रहे इसलिए फोर्स लगाए, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। उन्होंने ये बताया, उन्होंने बताया देखो पहली सिचुएशन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब क्यों नहीं हो रही है, देयर इज सम यू नो प्रॉपर्टी जो बॉडी होल्ड कर रही है, ठीक है। फिर उसने बोला कि इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को छोड़ दो, आप खुद भी करके देख सकते हो यार, प्रैक्टिकली घर पे आप देखोगे जहां से छोड़ोगे बॉडी तुरंत तेजी से नीचे आएगी, फिर आपके दिमाग में आ भी गया होगा ये तुरंत तेजी से नीचे इसलिए आती है क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स इसको नीचे को फोर्स अप्लाई कर रहा है, ग्रेविटी का इफेक्ट जो है और वो इसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा। जब ये नीचे से ऊपर जा रही होगी तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे को एक्ट कर रहा है, ये ऊपर को जा रही है तो उसके एंटी काम कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड को घटा रहा होगा। सो देयर इज अ रीजन जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, ऊपर से नीचे आने पे, नीचे से ऊपर जाने पे, और यहां पे चेंज नहीं हो रही है। मतलब इस प्रॉपर्टी को बॉडी के अंदर, मतलब अगर कोई चीज, अब समझना ध्यान से, इसमें चेंज क्यों नहीं आया और इनमें चेंज क्यों आ गया, ठीक है, इनमें चेंज क्यों नहीं आया, देखो उसने बोला अगर कोई चीज इस दुनिया में कहीं पर रखी है वो चल नहीं रही है, जैसे ये कोई ब्लॉक है ना, कोई इस भी मान लो मास एम है और ये नहीं चल रहा है, ये रेस्ट पे है, जस्ट उसने बोला ये रेस्ट पे है, तो ये आप इसको ऑब्जर्व करते रहो, ये रेस्ट पे ही रहने वाला है अगर इस पे फोर्स नाम की चीज नहीं लगाएंगे, है ना, एक फोर्स नाम की चीज अगर हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है। और गैलीलियो साहब ने यही सजेस्ट किया कि फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है मोशन में चेंज करने के लिए, अगर ये नहीं यहाँ पे ये रेस्ट पे रखा है तो रेस्ट पे ही बना रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स ना किए जाएं। मतलब सर कैसे, एक और समझो, उसने बोला अगर ये चलना स्टार्ट कर दे किसी स्पीड के साथ और अभी भी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ये अभी भी सेम स्पीड के साथ चलता रहेगा यूनिफॉर्मली, मतलब यू स्पीड यहाँ है तो यू यहाँ रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ है तो 2 मीटर पर सेकंड भी यहाँ पे ही होगी, मतलब अभी चूंकि स्पीड आगे जाने से चेंज नहीं हो रही है, मतलब यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा है और ये कंसेप्ट निकल के आया। फिर वापिस इन पे आ जाओ, वापिस आ जाओ, जब ये नीचे आ रहा था उन्होंने देखा यार यहाँ स्पीड यू है, मतलब यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 हो गई, यार ये तो चेंज हो गई जबकि यहाँ पे नहीं हो रही है चेंज, यहाँ पे नहीं हो रही है चेंज, मतलब उन्होंने ऑब्जर्वेशन की देर इज ए फोर्स, देर इज ए सम टाइम ऑफ यू नो सम टाइप ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट जो उसकी स्पीड को चेंज कर रहे हैं। अब यहां से कंसेप्ट निकलना स्टार्ट हुआ,
ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक वो एफर्ट नहीं कर होगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर कंसेप्ट निकल के अगर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो 2 मीटर पर सेकंड के साथ ही चलती रहेगी जब तक उसको चेंज ना किया जाए फोर्स अप्लाई करके, क्योंकि इनसे पता चल रहा है फोर्स अप्लाई हो रहा है तभी स्पीड चेंज हो रही है, अदरवाइज यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए थी ना, यहाँ पे भी स्पीड चेंज हो रही है अदरवाइज यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए थी। कुछ जा रहा है दिमाग के अंदर, ध्यान से समझना, कंसेप्चुअल चीजें हैं ये, ठीक है। तो आप करके भी देख सकते हो, उनको बना के भी देख सकते हो, ठीक है। ओके सर, अब लॉ ऑफ इनर्शिया का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग इनर्शिया जो यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है ना दोस्तों, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है उस बॉडी की, ठीक है, एक इस तरीके की सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, है ना, टू चेंज, आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। ओके, सो इनर्शिया को आप मान सकते हो एक तरीके का रेजिस्टेंस है ये, मतलब कैसे सर, टू चेंज, उसके अंदर जो चेंज हम ला रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एज इनर्शिया, लाइक ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो इसको ध्यान से, ठीक है। अब गैलीलियो साहब ने सिचुएशन अंडरस्टैंड करी और इनके थ्रू एक कंसेप्ट निकाला और उन्होंने सजेस्ट किया, फाइनली इन्होंने क्या सजेस्ट किया इसको आपको समझना पड़ेगा, फाइनली इन्होंने सजेस्ट किया इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, जब उसमें फोर्स ही नहीं हो रहा है तो उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बॉडी के पास अपनी खुद की एबिलिटी नहीं होती है कि अपनी स्टेट को चेंज कर सके, अपनी उस पर्टिकुलर यू नो सिचुएशन को चेंज करके, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर ये फोर्स नहीं लग रहा है, मूव कर रही है तो मूव भी करती रहेगी अगर ये फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। तो उन्होंने सजेस्ट किया देयर इज नो फोर्स बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और बॉडी रिमेन्स इन मोशन यूनिफॉर्मली इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बस ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है बॉडी के पास, यानी अपने अंदर खुद चेंज ना लाने की जो प्रॉपर्टी है, वो ही एक रेजिस्टेंस है ना, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं, बस ऐसे समझो, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। ये हिंट दिया, ये कंसेप्ट दिया, ये थ्योरी दी गैलीलियो साहब ने। अब इसके पीछे पड़ गए कौन, न्यूटन साहब, जिन्होंने बना दिए न्यूटन के 3 नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, धीरे धीरे हम उनके पास जा रहे हैं। एक टर्म यहां पे आप यूज कर सकते हो इनर्शिया, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, यही सो थोड़ी सी डिटेल में और आपको देने वाला हूं यहाँ पे इनर्शिया के रिलेटेड, क्योंकि ये टॉम गैलीलियो साहब ने सजेस्ट किया और इसके बारे में बताया कि एक प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, मतलब अपनी अंदर होने वाले चेंज का अपोज करता है, ठीक है, और वो चेंज अपने आप नहीं होता है इस प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो उसके लिए अगर चेंज लाना है तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा, इतनी हमें बात समझ में आई। अब हमने देखा यार जो इनर्शिया है ये बेसिकली, ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मतलब बॉडी की वो प्रॉपर्टी, मतलब बॉडी किसी भी दुनिया में किसी भी बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं होती है, ये ताकत नहीं होती है कि वो अपनी पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने आप चेंज कर सके, ठीक है ना। कैसे सर, जैसे जैसे ये डस्टर मेरे हाथ पे रखा है तो ये अपने आप नहीं चलने लगेगा, यहां से इसको हटाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, आप अपने आप नहीं उठोगे, आपको उठाना पड़ेगा वहां से, खिसकाना पड़ेगा वहां से, या बोलना पड़ेगा तब आप उठ के जाओ, क्योंकि आप लिविंग थिंग हो, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, इसको हटाना ही पड़ेगा, समझ गए। तो क्या करना पड़ेगा सर, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब किसी भी बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद अपनी रेस्ट की सिचुएशन को चेंज कर सके, ठीक है। घर हट नहीं सकता, ये हट नहीं सकती, बुक हट नहीं सकती, जो भी आपके पास रखा हुआ है ना रेस्ट पे, जो भी हैवी चीज रखी है वो नहीं हट सकती अपने आप, उसको हटाना पड़ेगा। सो वी नीड अ टाइप ऑफ फोर्स एंड दैट प्रॉपर्टी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अगर रेस्ट को चेंज करना है, उसकी रेस्ट की सिचुएशन को चेंज करना है, सो यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, ठीक है, ये बताया गया था रेस्ट में। कैसे सर, कैसे मतलब, देखो जब आप कहीं पे जा रहे होते हैं, आप कहीं पे बैठे होते हैं, जैसे बस के अंदर आप बैठे हो, ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, सबके साथ हुआ होगा, थारे मारे सबके साथ हुआ है, ठीक है। तो यार जब हम बस में बैठे होते हैं तो इंतजार कर रहे होते हैं बस चलेगी, तो जैसे ड्राइवर बस स्टार्ट करता है तुरंत हमें झटका लगता है, अचानक ही सडनली, है ना, तुरंत पीछे को गिरते हैं, जब वो स्टार्ट करेगा तो पीछे गिरेंगे ऐसे, ठीक है। तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि तुम्हारी बॉडी नहीं चाहती है कि तुम रेस्ट की सिचुएशन से डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो, ठीक है, कि रेस्ट के सिचुएशन को चेंज करने का ट्राई किया जा रहा है,
ठीक है, अब आ जाओ इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ भाई, पेड़ पे फल लटका हुआ है, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, ठीक है। तो भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं सबके, जैसे मैं क्या करता था भाई, पत्थर वत्थर उठाता था और आम तोड़ना तो फटाक से उसको फेंक पे मारता था, ठीक है, तो आम पे जाके लगेगा और वो टूटेगा, है ना, एक तरीका ये हो सकता है। या फिर आपने क्या किया, यार सर मेरा निशाना ना बढ़िया नहीं है भाई, अब मैं क्या करूँ, तो पेड़ पे चढ़ जाओ और जिस ब्रांच पे, है ना, जिस ब्रांच पे, जिस टहनी पे वो आम लटका हुआ है, उसको आम को डायरेक्ट मत तोड़ो, उसकी उस टहनी को पकड़ लो। तो अभी आम लटका हुआ है, रेस्ट पे है भाई, रेस्ट पे है, जैसे ही तुमने उसकी ब्रांच को पकड़ के हिलाया, इस तरीके से शेक किया उसको, हिलाया उसको इस तरीके से, तो वो आम जो है वो रेस्ट की पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उसकी रेस्ट की इनर्शियल पोजीशन को आपने चेंज कर दिया फोर्स अप्लाई करके, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब उसको तोड़ने से पहले, हिला के तोड़ने से पहले वो रेस्ट पे था, ठीक है, आपने उसको मोशन में लाया, मतलब आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कराया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा सर मोशन में क्या होता है, भाई मोशन का भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, पक्का 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 मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग काफी करी है, जाता था खुद जाता था। जब आपने भी देखा होगा, जब हम बस से उतरते हैं ना, बस से याद करो, ट्रेन से, और वो धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली होती है, तो हम जल्दी जल्दी के चक्कर में बस से तुरंत नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा जब हम नीचे उतरते हैं तो बस के साथ में ही चलते रहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है ना, थोड़ी दूर तक अगर आप नहीं चलोगे ना, आप तुरंत गिर जाओगे, क्योंकि आपके जो पैर है वो जमीन के टच में है, ठीक है, आपकी बॉडी मूवमेंट में है उसी तरीके से, तो भाई वो आप गिर जाओगे अगर नहीं चलोगे, या आप पकड़ के उसको थोड़ी दूर तक उसके साथ चलते रहो, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, ये आपने याद रखना। मतलब क्या हुआ सर इसका, मतलब वो बोलता है कि किसी भी बॉडी के पास ऐसी एबिलिटी खुद नहीं होती है कि वो अपनी मोशन को या तो बढ़ा सके या रोक सके, खुद नहीं हो सकता, देखो ना, खुद नहीं हो सकता, अगर आप मोशन में हो, खुद नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप अपनी स्पीड को चेंज कर लो, ये करना पड़ेगा, इसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, आप कोई बॉडी है अगर वो मूव कर रही है और वो मूव कर रही है तो उसको आप चेंज करना पड़ेगा, उसकी मोशन को चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है सर, देखो भाई डायरेक्शन में क्या होता है कि यार जो डायरेक्शन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो खुद में चेंज नहीं होगी, बस एक वर्ड पकड़ लो, एक वर्ड पकड़ो क्या, कि ये इटसेल्फ अपनी चीजों को चेंज नहीं कर सकते, ना तो रेस्ट पोजीशन को, ना मोशन को, ना डायरेक्शन को। आपने देखा होगा जो बाइक चला रहा हूं, सपोज करो मैं, जो बाइकर्स होते हैं, जब हम बाइक चलाते हैं ना, देखा होगा आपने वो बाइक वाले जो यू नो स्पोर्ट्स में जो गेम रहते हैं, जो रेसिंग होती है, तो जब बाइक चलाते हैं कहीं पे टर्न आता है, तो टर्न पे क्या होता है कि वो बंदा बिल्कुल झुक जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है ना, बेंड हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं होगी जब तक वो चेंज नहीं करेगा, अगर चेंज नहीं करेगा सीधा ही निकल जाएगा, तो उसको चेंज करना पड़ता है, इस तरीके से वो झुक जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी खुद चेंज नहीं होगी, बाइक खुद चेंज थोड़ी होगी, हमें उसको चेंज करना पड़ता है, डायरेक्शन को हमें बदलना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा जा रहा होगा, बाकी आप डिटेल में बुक्स वगैरह में रीड कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, आप इस पर ध्यान दें, इससे ज्यादा इसमें लिखने उतने की कोई जरूरत है नहीं, बस आपको पता होना चाहिए इनर्शिया है क्या, ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ये आप याद रख सकते हो, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई, ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, एक ये छोटा सा पॉइंट आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि जो इनर्शिया होता है वो मास के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, कैसे, मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप, देखो भाई यार ये मास की प्रॉपर्टी है ना, एक तरीके से यार मास होगा तभी तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करते हैं, देखो भाई अगर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, बड़ा पत्थर स्टोन है हैवी सा, और एक छोटे वाला है, ये इसका मास बहुत ज्यादा है m1 और ये है m2, और इसकी स्पीड v है, इसकी भी v है, अगर दोनों सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप इसके सामने हो जाओ खड़े आके, ठीक है, आप इनके सामने खड़े हो गए आके, ठीक है, आप चाहते हो मैंने इनको रोकना है, तो यार खुद इमेजिन करो किसको आप आराम से रोक सकते हो, जो छोटे वाला है, मतलब जिसका मास कम है, ठीक है, उसको रोकने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन इसको भाई जान लगाने के लिए, रोकने के लिए मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी रुकने का जो इनर्शिया है, इसकी जो स्पीड है, जो मोशन में है, इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इस पर कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब इसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, मतलब इसका जो इनर्शियल इफेक्ट है वो इससे ज्यादा है, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इसका जो मास है m1 is greater than m2, इसलिए इसको रोकने के लिए, क्योंकि हैवी है ना, मोर हैवी इज द बॉडी मोर इनर्शिया, सीधी सी बात है, ठीक है, मोर हैवी इज द बॉडी मोर इनर्शिया, अगर उनकी स्पीड सेम स्पीड के साथ वो जा रहे हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसलिए आपने लिखा मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपल है, इतना स्टेटमेंट आप याद रखिए, दैट्स इट,
ये सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये सारा गैलीलियो साहब ने डिफाइंड करा और इसी कंसेप्ट को पकड़ा था न्यूटन ने। यहां से एंट्री हो जाती है न्यूटन सी। चले स्टार्ट करें। तो नाउ गाइज यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो पहला लॉ था आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ यू नो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन, इस फर्स्ट लॉ तो यहीं से बना था, गैलीलियो ने यहाँ से कंसेप्ट लिया, गैलीलियो ने यहाँ से कंसेप्ट दिया, न्यूटन ने उसको पकड़ा और उसको प्रूफ करा, ठीक है, बढ़िया तरीके से मैथमेटिकली, जिसको हम आज पढ़ते हैं, इवन पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है और उसका यूज किया जाता है। सोचो मोशन अगर किसी बॉडी के अंदर हो रही है तो ये तीन लॉ तो भाई ब्रह्मास्त्र की तरह काम होते हैं, ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा इतनी थ्योरी चार पेज की मैंने आपको इतनी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आज से डिस्कस करी है, गया होगा दिमाग में, ध्यान से देखना, थोड़ा सा एनसीईआरटी जाके पढ़ लेना और मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूटन साहब के दिमाग में जो कीड़ा जागा था, जो कीड़ा आया था, कीड़ा मींस जो कंसेप्ट आया था, वो किसकी फाउंडेशन पे डिपेंड था, दैट इज डिपेंड अपॉन गैलीलियोस कंसेप्ट, ठीक है, जो उन्होंने डिफाइन किया था लॉ ऑफ इनर्शिया का, और उस लॉ ऑफ इनर्शिया को नाम दिया था मॉडिफाइड करके, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं हम, फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेकेंड लॉ, ठीक है, जो मैथमेटिकल प्रूफ है, फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये आपको ऑब्वियसली सबको पता भी है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ध्यान से समझते जा रहा हूँ, आपके बेसिक फंडा एकदम क्लियर हो गया ना भाई, मजा आ जाएगा, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पूरी फिजिक्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैप्टर से, ठीक है यार, ये मेन चैप्टर माने जाते हैं, कम ऑन गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में क्या था भाई, देखो भाई गैलीलियो साहब ने पहले बता दिया था थ्योरेटिकली कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, ठीक है, और फोर्स, वी नीड अ फोर्स टू चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट को चेंज करने के लिए चाहिए, मूव कर रहा है तो उसकी मोशन में कम उसको वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए चाहिए, एक्सलरेट या डीएक्सलरेट करने के लिए चाहिए, मतलब आफ्टर ऑल वी नीड अ फोर्स टू चेंज द मोशन, ठीक है ना, ऑफ अ बॉडी, सिंपल है। अब फर्स्ट लॉ में मैथमेटिकली अगर देखा जाए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, न्यूटन साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर, तो उस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो ही होगा, और उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो आप समझ सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मली मूव ही करती रहेगी। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लिख लेंगे, आप समझ लेंगे, आपने बस समझना है, ठीक है। तो यही बताया गया था बस, ठीक है, मतलब सर मतलब और किस तरीके से बता सकते हैं हम, वैसे तो यही है मेन, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहने वाली है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो मूव करती ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते हम, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल फोर्सेज है, मतलब वो बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना, जीरो हो जाते हैं तो भाई ये कंडीशन यहाँ बन रही है, लेकिन अगर किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स, जो टोटल अनबैलेंस फोर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो रेस्ट की सिचुएशन उसकी चेंज हो सकती है, मोशन वाली सिचुएशन भी उसकी चेंज हो सकती है, ठीक है, ये इस तरीके से उन्होंने बताया। अब उन्होंने बोला कि यार एक्सेलरेशन एक ही कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, उसके ऊपर एक्ट करने वाले अनबैलेंस फोर्स शुड नॉट बी जीरो, ठीक है, वो जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेटली एक्सेलरेशन नहीं है मतलब नेट फोर्स जीरो है, धीरे धीरे आ रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ, इसमें बताया गया था, ये हमारा फर्स्ट लॉ था न्यूटन साहब ने, बस इतना आपने याद रखना है, ठीक है भाई, मतलब सीधी सी बात है यार, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, अगर एक बॉल है वो रेस्ट पे है भाई, इसका मास एम है और ये इनिशियली रेस्ट पे है और इस पे कोई फोर्स भी लग रहा है, अच्छा मैंने यहाँ पे नाम यूज किया बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तो यहाँ पे एक्ट करने वाले जो फोर्स है इस पे अगर लग भी रहे होंगे, अगर वो जीरो है तो भाई ये स्टेट ऑफ रेस्ट इसकी चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो अगर वो जीरो हो गया, ठीक है, अगर ये बॉडी मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ 4 मीटर पर सेकेंड और इस पे एक्ट करने वाला जो फोर्स है, इस पे बॉडी पे एक्ट करने वाले जो फोर्स है नेट, वो जीरो आ गए तो ये चेंज नहीं होगी, ऐसे ही चलती रहेगी, बस ये फर्स्ट लॉ है यार, समझ जाना, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है, समझ जाना, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, आप सब समझ चुके हो, ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ में बताया गया। अब यहाँ से हमारी जो जर्नी है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज और, सपोज करो गाइज, ऐसे समझो आप, ठीक है, मान ली एक बॉडी है आपके पास और इस पे कुछ फोर्स लग रहे हैं, F1 इधर और F2 इधर, कितने भी फोर्स हो सकते हैं इस बॉडी के ऊपर जिसका मास m है, आपने इनका नेट फोर्स निकाला, नेट फोर्स निकाला और अगर ये जीरो आ गया, ठीक है, अगर ये जीरो आ गया नेट फोर्स, तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं
बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, फोर्स तो लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकिन वो बैलेंस्ड है क्योंकि उनका सम टोटल, उनका रिजल्टेंट टोटल वो जीरो आ रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये इक्वल हो सकता है ये अनइक्वल हो, लेकिन इसके साथ और भी कुछ फोर्स हो और वो सारे मिलके नेट फोर्स जीरो बना रहे हैं। बस ये ध्यान रखना, किसी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स लग रहे हैं और उनका सारा रिजल्टेंट जीरो हो जाता है तो उनको बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, ऐसे समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, ठीक है, एक इधर से लग रहा है, कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, और इस पे एक्ट करने वाले ये सारे फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा और वो जीरो नहीं आया तो इनको बोलते हैं अनबैलेंस्ड, ठीक है, ये सिचुएशन आ जाती है अनबैलेंस्ड, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स कंडीशन, ठीक है। तो यहां चूंकि फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए इनको अनबैलेंस्ड कंडीशन का नाम दिया जाएगा। तो अगर ये अनबैलेंस्ड है तो बॉडी की जो मोशन है वो डेफिनेटली चेंज होने वाली है, और यहाँ पे बैलेंस है तो बॉडी की मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी स्मूथली, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, समझ गए टर्म्स का मतलब, समझ में आया व्हाट इज द बैलेंस फोर्स, व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फोर्सेस की भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि जब हमने यहाँ पे स्टडी करनी है अब हम फोर्स की ही बात करेंगे कि कौन से सबसे जरूरी फोर्स है जो इस चैप्टर में हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है और जिनका यूज डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल दूंगा मैं आपको, टेंशन नहीं लेने का बॉस। तो ये सो एक जल्दी से एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स, ठीक है, और फोर्स में यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी फोर्स, वैसे तो बहुत सारे फोर्स एग्जिस्ट करते हैं बट अब न्यूमेरिकली कौन सा यूज करने वाले कैलकुलेशन में हमारे लिए कौन से ज्यादा यूज होने वाले हैं उनकी हम बात करेंगे। तो बेसिक आइडिया लगाओ पहले फोर्स है क्या, फोर्स अकॉर्डिंग टू मी जस्ट लाइक सम एफर्ट है ना, जो किसी चीज में की स्टेट में चेंज ला सके, ठीक है। तो यार आप अपने चारों ओर देखो, चारों ओर देखो, कोई भी चीज अपने आप नहीं चल रही, उसको चलाया जा रहा है, मतलब उस पर फोर्स लगाया जाता है, ठीक है। तो आप किधर भी देखो, जैसे घर है तो घर तो अपने आप चलेगा नहीं अगर उसको नहीं उखाड़ा जाएगा, चलाया जाएगा, जैसे फिल्मों में नहीं होता है एक चलता हुआ घर दिख रहा है आपको तो उसको चलाया जा रहा है, गाड़ी जा रही है उसको चलाया जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको अपने आप इटसेल्फ चेंज में नहीं मिलेगी, वो मूव करती हुई नहीं मिलेगी। तो उसने बोला कि फोर्स इज समथिंग, फोर्स इज समथिंग पुल और पुश, ठीक है, फोर्स क्या है, पुल और पुश है। पुल मींस किसी चीज को, जैसे आप कहीं पे एंटर करते हो, किसी शोरूम में जा रहे हो, किसी मॉल पे जा रहे हो, किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको बोला जाता है, उस पे लिखा रहता है पुल है ना, उस पे लिखा रहता है पुश अकॉर्डिंग टू कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो पुल मींस उसको अपनी तरफ खींचना, ठीक है, पुश मींस उसको धक्का देना। तो दिस इज ए एफर्ट, मेरे अकॉर्डिंग समझो, दिस इज ए एफर्ट। जब तक उस दरवाजे को मैं खींचूंगा नहीं या धक्का नहीं दूंगा तब तक वो खुलेगा नहीं, सीधी सी बात है ना, जब तक वो ओपन नहीं होएगा, ठीक है। तो या तो उसको खींचना पड़ता है या उसको पुल करना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने फोर्स को एक टेक्निकली डिफाइंड कर दिया कि फोर्स इज समथिंग पुल जब हम करते हैं या समथिंग पुश, ठीक है, ये खींचना ऐसे, ये पुश करना, समझ गए, ओके। सो अब उन्होंने बोला कि यार ये एक तरीके का एफर्ट है जो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, इसको फोर्स का नाम दिया। अब ये कर क्या सकता है, ये फोर्स कर क्या सकता है, फोर्स स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ रेस्ट को, ठीक है, आपके पास किसी भी बॉडी की अगर रेस्ट की सिचुएशन है और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन की अगर सिचुएशन है, इनको चेंज कर सकता है। फोर्स अप्लाई करके आप किसी बॉडी को रेस्ट से हटा सकते हैं और मूव करती हुई बॉडी को, उसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये भी ये कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सर, ठीक है, और उसकी शेप चेंज कर सकता है, ठीक है जी, किसी भी बॉडी की फोर्स अप्लाई करके आप उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज अगर कोई बॉडी सीधी जा रही है फोर्स अप्लाई करके मोड़ दो तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, जैसे गाड़ी चला रहे हैं वैसे मोड़ देते हैं, या कोई भी चीज़ है मैं किसी भी चीज़ को खींच रहा हूँ, जैसे इसको मैं सीधा खींच रहा हूँ तो सीधा आएगा, इसे खींचूंगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे मोड़ सकता हूँ ना, तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है बॉस। तो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन, वी कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, ये आपने बस थोड़ा सा पॉइंट है ये याद रख लेना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो यार स्टेट ऑफ रेस्ट या अगर मोशन में है तो मोशन को चेंज किया जा सकता है, रेस्ट सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है, उसकी शेप को बदला जा सकता है, ठीक है, उसको उस पर फोर्स अप्लाई करके तोड़ मोड़ किया जा सकती है उसके साथ, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे ना, यस। अब देखो मेन बात मुद्दे की क्या है सर, मुद्दे की बात ये है बॉस, यहाँ पे जो सबसे जरूरी फोर्सेज है जो आप यूज करोगे, पहला नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स की बात करूंगा जिसको हम रिएक्शन नॉर्मल, आप नॉर्मल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं आप इसको, ये जो फोर्स यहाँ पे यूज होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा जो फोर्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दोस्तों, मतलब जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो यूज होंगे, ठीक है, ग्रेविटी का उसका वेट जो होगा, ठीक है, बॉडी का, तो ये हो जाएगा। और क्या हो सकता है सर, टेंशन, ठीक है, टेंशन इन स्ट्रिंग,
ठीक है, ये याद नाम याद रखने हैं नाम, जब आपका स्टार्टिंग हो जाएगी तो ये नाम फ्रीवर्ड डायग्राम में ये सीखना है हमने, टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, किसी रस्सी को हम जब खींच देते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, टेंशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है सर, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ये सारे फोर्स हैं, ठीक है ना, ये सारे फोर्स आपने यूज करने हैं। तो मोस्टली ये फोर्सेज यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। नॉर्मल रिएक्शन कब क्रिएट होगा धीरे धीरे बताऊंगा, जैसे आप बेंच पे बैठे हो, आपने बेड पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो आपके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हो, फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हो, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट जो हमारा एक्ट कर रहा है, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स करेगा, स्प्रिंग को हम खींच देते हैं तो स्प्रिंग पीछे को भागता है, उसको कंप्रेस करते हैं तो आगे को भागता है, ठीक है, सो दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स। सिमिलरली कुछ फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी अगर मैं बात करूँ गाइस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो मतलब जिनको किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स, ये कौन से माने जाते हैं, विस्कस फोर्स, ये कौन से माने जाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स ये, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये माने जाते हैं। इवन इसमें जो मैंने यहाँ लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही होता है, ठीक है, बाकी ये कॉन्टैक्ट में कंसिडर किए जाएंगे, मतलब ये आप याद रख सकते हो। जैसे आपसे कोई बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सर, या मैग्नेटिक फोर्स है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स है सर, या और भी ले सकते हो, और भी फोर्सेस अगर आपको याद हो, तो ये माने जाते हैं नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब ये इनका इनको एक्ट कराने के लिए दो बॉडी के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की बात करूँ, और ये अगर ग्राउंड सर्फेसेस पे कोई चीज हमने रखनी है, तो आप देख सकते हो ये कॉन्टैक्ट में आ गए, फ्रिक्शनल फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है यार, पैर नहीं रखोगे जमीन पे कैसे एक्ट करेगा, गाड़ी का टायर जमीन पे टिकेगा तो कैसे एक्ट करेगा, धीरे धीरे समझ रहे होंगे, थ्योरी थ्योरी है ये जो मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड में रहनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो फोर्स के बारे में आपने सीख लिया कि हम क्या करने वाले, फोर्स क्या है और फोर्स क्या कर सकता है, दुनिया में किसी भी चीज के अंदर चेंज लाना है, उसकी मोशन में, उसकी रेस्ट की पोजिशन में, उसकी शेप में, उसकी डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। फोर्स को टेक्निकली यू कैन डिवाइड इन टू फॉर्म, द पुल और द पुश, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो पुल कर रहे होंगे या उसको पुश कर रहे होंगे, या तो हम किसी चीज को खींचते हैं या उसको धक्का देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी अबाउट द फोर्स। अब एक लास्ट टर्म इस लेक्चर के लिए मैं यूज करने वाला हूं, फिर हम सेकंड लॉ पे जाएंगे जिसमें कुछ न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। पहला लेक्चर बेसिक कंसेप्ट का है, बेसिक थ्योरी का है, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब एक लास्ट टर्म जो मैं यहां डिस्कस करूंगा आपके साथ, दैट इज लीनियर मोमेंटम, जिसे जब हम सेकंड लॉ पढ़े तो हमें ऐसा ना लगे कि यार ये क्या है, मोमेंटम क्या है, वैसे तो हमें पता है, बट हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उसकी डिस्कशन भी करनी जरूरी है, ठीक है, तो ये भी जरूरी है। ओके लेट्स सी, होशियार हो आप, टेंशन ही, आप सबने सब पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा रिमाइंड करना है, रिवाइज करना है, चीजों को अप्लाई करना है, चीजों के बारे में सोचना है, थिंकिंग को बिल्ड करना है, ठीक है, सो लेट्स सी। ओके गाइस, सो अब एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे और है, उसकी भी जल्दी से बात कर लेते हैं और इस लेक्चर को हम बाइंड अप करेंगे, क्योंकि सेकंड लेक्चर हमारा स्टार्ट होने वाला प्योर मैथमेटिकली सेकंड लॉ से थर्ड लॉ से, ठीक है, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट ही न्यूमेरिकल आप करोगे, उसके बिहाइंड साइंस क्या है, थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है, वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें यूज होने वाले हैं वो भी हम देख चुके हैं बॉस, ठीक है, लेट्स सी, कम ऑन गाइस। सो लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई, मोमेंटम नाम का ये जो टर्म है ना, ये है क्या बेसिकली, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, तो भाई मोमेंटम का मतलब होता है बेसिकली जब कोई बॉडी मोशन में है, सपोज करो ये इसका मास है और ये किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है, ठीक है, ये एक बॉल है, मैंने इस पे किक किया और ये मूव करने लगी, तो मोमेंटम का जस्ट मीनिंग होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, यू कैन राइट क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, उस बॉडी के अंदर जो मोशन है उसकी कितनी क्वांटिटी है, हाउ मच, ठीक है, सो क्वांटिटी ऑफ मोशन यू कैन से, ठीक है, कंटेन्ड या इन द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन, तो जब वो मूव कर रही है, जैसे एक बंदा है, ठीक है, उसका मास कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा मास हो सकता है, उसकी वेलोसिटी अलग अलग हम दे सकते हैं, है ना, उनको आप इमेजिन करो, एक पतला सा लड़का है, एक हैवी सा लड़का है, तो जो वो मूव कर रहा होगा तो मोशन की क्वांटिटी किसके पास ज़्यादा होगी, क्वांटिटी पे ध्यान देना, तो मैंने नाम लिया है यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, दिस इज क्वांटिटी, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो फिर ये डिफाइंड कैसे किया गया, क्वांटिटी को बनाया कैसे गया, तो लीनियर मोमेंटम को क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, और इसको लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी, क्वांटिटी ओवरऑल मिलके बनती है उसके किस मास में वो वेलोसिटी है। जैसे मैं भाग रहा हूँ ना, तेजी से भागना मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो मैं भाग रहा हूँ ना, मास भाग रहा है ना, मेरे पास वेलोसिटी है ना, तो मेरा मास और मेरी वेलोसिटी, दिस इज हाउ मच क्वांटिटी आई हैव, ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, इसी प्रोडक्ट को बोलते हैं
लीनियर मोमेंटम या क्वांटिटी ऑफ मोशन इन द बॉडी, ठीक है। सो सिंपल है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, ठीक है सर। कैसे मतलब क्या बोल रहे हो सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी की मोशन इधर को हो रही है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी इधर ही होगा, ये वेक्टर है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर इज इक्वल टू मास और ये रहने वाला है आपका वेक्टर। मास पे भी डिपेंड करता है, मास चेंज कर दोगे तो भी चेंज होगा क्योंकि क्वांटिटी है, और वेलोसिटी चेंज कर दोगे तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे आपने समझना है, ठीक है ना। मतलब अगर एक बंदा बहुत हैवी है, एक बंदा बहुत ही कम मास का है, ठीक है, तो हो सकता है उसका मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा हो सकता है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा हो, इट डिपेंड्स अपॉन, क्योंकि दोनों पे डिपेंड करता है, वेक्टर है। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है एसर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, मोमेंटम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग मास, कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन बोथ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो बस इतना याद रखना है भाई। यूनिट तो आपको बताइए, इसकी यूनिट है केजी और इसकी है मीटर पर सेकेंड, तो ये बन गई इसकी यूनिट, ठीक है। मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की बन जाती है आपके पास यूनिट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पूछे जा सकते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली हमने देख लिया भाई ये है क्या, ठीक है। देखो भाई, P इज इक्वल टू हमने लिखा MV, मैंने बोला हाँ, अगर वो बोलता है कि मास को कॉन्स्टेंट कर दे, हम मास को चेंज ही ना करें, तो दोस्तों मोमेंटम केवल वेलोसिटी से चेंज होगा, यानी मोमेंटम ओनली डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। अगर ग्राफ बनाओगे, इधर मोमेंटम लिखोगे, इधर V लिखोगे, तो आप देख सकते हो V की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, और मैंने ग्राफ आपको सिखा दिए हैं। ग्राफ इसका बनेगा कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये वेलोसिटी के बदलने से बदल रहा है, मास कॉन्स्टेंट कर दिया आपने। लेकिन अगर किसी ने स्मार्टली काम किया, उसने बोला हम तो वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट करेंगे, कर लो हमारा क्या करना है, मैंने कहा भी कुछ नहीं कर सकते, डिपेंड्स अपॉन यू, ओके। तो अगर आपने वेलोसिटी कॉन्स्टेंट कर दी, देखो ये कॉन्स्टेंट कर दिया, अब मोमेंटम मास के चेंज होने से चेंज होएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गई। अब ये वेरिएबल का काम करेगा, तो मोमेंटम किसकी वजह से चेंज हो रहा है, एम की, तो एम की पावर 1 है, तो अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ऐसे से अगर आप कभी कभी पूछ ले जाते हैं, इन पे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं। एक और देखो, अगर उसने बोल दिया सर अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो जाए तो उत्तरी, जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उसी को कॉन्स्टेंट कर दे, तो अगर ये कॉन्स्टेंट हुआ, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना, दोनों का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा, तभी तो इसको कॉन्स्टेंट करेंगे। मतलब एम और वी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो ये कॉन्स्टेंट अपॉन एम आ गया, यानी आप लिख सकते हो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट तभी हो सकता है जब एक चीज बढ़े तो दूसरी घट जाए साइमल्टेनियसली। देखो, अगर मास इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास अगर कम हो रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए मोमेंटम कॉन्स्टेंट है। सो वी कैन राइट हियर वेलोसिटी वर्सेस मास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में है, हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनके तैयार हो जाएगा। ये सारे ग्राफ मैंने आपको सिखा रखे, ध्यान से समझना, ये सारे ग्राफ बनते कैसे हैं, ये मैंने ऑलरेडी ग्राफ में आपको सिखाया था। तो सिंपली इतना आप याद रखें यार, लीनियर मोमेंटम के केस में बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो उसको डिफाइन करने के लिए, बट मैथमेटिकली इतना आप याद रखोगे तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मजा आ जाएगा। आपका बेसिक फंडा थोड़ा सा बस क्लियर होना चाहिए, ठीक है बॉस। अब इसी से डिफाइंड हुआ था फोर्स, सेकेंड लॉ, ठीक है, मोमेंटम से ही डिफाइंड हुआ था सेकेंड लॉ, ठीक है, क्योंकि ये टोटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी बॉडी की अंडर मोशन, ठीक है। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिक लेक्चर आपके पास जा चुका है, इसको बढ़िया तरीके से सीख लेना। जो किताब में आप 6-7-8-10 पेज पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो मैंने आपको विद इन 1 आवर दे दिए हैं, आपको समझ आई होंगी चीजें, होप सो, ऐसी उम्मीद करता हूं। आप बार बार देखें, कहीं कंफ्यूजन हो कंसेप्ट में तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ, क्योंकि मजा आने वाला है अगर फाउंडेशन हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है बॉस, देख लेना कर लेना, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।